योग, मेरा अगला सवाल सुनो। बड़े शहरों में घर में काम करने वाले नौकरों के अपने अलग नखरे होते हैं। ऐसे ही एक बड़े व्यापारी ने अपने घर में एक नया नौकर रखा। तुम्हें खाना बनाना है, सारे घर की रोज साफ सफाई करनी है, घर के पेड़ पौधों को रोज पानी डालना है और घर में किसी तरह की टूट फूट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब। शुरुआत के दिनों में उस नौकर द्वारा कोई शिकायत नहीं आई। वह समय पर आता और अपना काम करके चला जाता। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह सुबह 7:30 बजे के बजाय कभी 8:30 बजे आता तो कभी 9 बजे तक काम करने आता। उसके बार बार लेट आने पर मालिक हमेशा पूछते, तुम इतने लेट कैसे हो जाते हो? और वह नौकर हमेशा नया बहाना लेकर आ जाता और घर के काम में लग जाता। कई बार तो मालिक उसे फोन करके यही पूछते, तुम कितने बजे आ रहे हो? और वह यही कहता, बस मालिक आने ही वाला हूँ। कुछ दिनों के बाद एक दिन उस नौकर का मालिक को फोन आता है। मालिक, आज मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मालिक उसे ऐसी हालत में जानकर हाँ में जवाब देते हैं। तुम कितने बजे आओगे? साहिब, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा। उस दिन मालिक को बहुत जरूरी काम था। वे अपने नौकर का इंतजार करते रहते हैं। जब घड़ी में 9:30 बजते हैं तब मालिक अपना काम करने चले जाते हैं और उस नौकर से नहीं मिल पाते हैं। बताओ योग, मालिक और नौकर में किसने धोखा दिया? योग कहता है, मालिक को तो पता था कि नौकर हमेशा लेट आता है, तो उन्हें ही उसका इंतजार करना था। क्या आप बता सकते हैं इस सवाल का जवाब? इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। चलिए बताते हैं इस सवाल का जवाब। नौकर मालिक के घर कभी समय पर काम करने नहीं जाता था। यह बात मालिक को अच्छे से पता थी, इसलिए मालिक ने नौकर के 9 बजे तक आने के कहने के बाद भी उन्होंने उसका 9:30 बजे तक इंतजार किया। वे उसका इंतजार कर भी लेते, लेकिन उसके आने का कोई समय नहीं था। दूसरी ओर नौकर को पैसे की जरूरत थी, तो उसे समय पर ही आना था, इसलिए गलती केवल नौकर की थी, मालिक की नहीं।